मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। अब ये मत कहना ब्रश यूज़ करो, अब ब्रश नीचे पड़ा है मुझे लाना पड़ेगा, जो मतलब ख़राब से ब्रश होते हैं जो यूज़ में नहीं होते वो ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। मेरे को अभी फटाक से क्लीनिंग करनी है, रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं कर लूँगी बाद में। मैं तो हेयर वॉश करके सिर भी ऐसे छोटी बना रखी है, ठीक है। अभी मैं इसको ना हाँ बीच में कर देती हूँ, बीच में पत्ती से करती हूँ, थोड़ा हाइड में क्लीनिंग प्रॉपरली दिखेगी। देखो इसका थोड़ा ब्राइट कलर दिखाना है और इसमें थोड़ी ब्लैक ब्लैक का रखा है। इतना अच्छा मेरा छत है, इसके मैंने इतनी गुठलियाँ फोड़ियाँ भी आके, इतनी बड़ी बड़ी। मैंने सोचा कुछ तो क्लीनिंग करूँ, आज का दिन आप आई हूँ, छत पे वेस्ट ना जाने दूँ, इसीलिए बस इसको बीच में करना है और फिर साइड में कपड़ा मार के जाते समय पानी छिड़कना है। शेप्स तो शेप्स मैं नहीं बना रही क्योंकि गाइज अभी पेपर चल रहे हैं, ठीक है, हजार बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। बस एक बार ये ख़त्म हो जाए फिर अच्छे से इसको ना थोड़ा फोल्ड ज़्यादा करना, एक तो कचरा भी इतने दिनों से पड़ा है ना तो जम रहा है, वरना मेरा कपड़ा बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। ये तो सारा सैंड सीमेंट में ही डाल देती हूँ मैं, टेक्सचर ना ऐसे अलग अलग नहीं करती, अलग अलग करती ना मेरा इतना टेक्सचर खट्टा हो जाना था, पर फिर इन टेक्सचर की क्वांटिटी कम हो जाती। ये देखो ऐसे आए हाय, एक तो बाल आ गया रहे हैं, हाँ एक तो ईट हटा के ऐसे क्रम करती हूँ मैं क्लीनिंग। ये देखो और ये देखो विराट क्या कर रहे हो, ये पत्ते वत्ते मैं बाद में ही चुकूंगी, खुश हो जाने आज लोगों ने, जो जो खुश होंगे वो खुशी खुशी कमेंट करेंगे तो मुझे और खुशी होगी, फिर मैं आप लोगों को और खुशी दिलाऊंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी, ठीक है। इसकी क्वांटिटी मुझे कम लग रही है, एक तो ना भैम भी हो जाता है मुझे कि भाई हाँ इतने दिन से फैला पड़ा था पक्का उड़ाओगे और क्वांटिटी कम हो गई होगी, बहम का कोई इलाज नहीं। पता नहीं क्रम्बलिंग कैसी लग रही है इस पे, इसका कलर भी देखो। कल मैं पता नहीं कौन सी एएसएमआर का व्लॉग देख रही थी, वो भी बेचारी दुखी थी, उनके टेक्सचर का कलर भी नहीं दिख रहा था, तो वो कहती हम इतने महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं पर उन पे कैमरे पे काम क्यों नहीं करते हैं, स्टोरेज दे देते हैं, इतनी स्टोरेज का क्या करूँ, और मैं परेशान हूँ स्टोरेज मेरे फ़ोन में कम है, और कुछ परेशान है कि इतनी ज़्यादा है। मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, इसकी ग्रिटिनेस कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है, इसके आसपास पूरे प्योर टेक्सचर है और ग्रिटिनेस इसकी वहाँ इतनी दूर दूर गई हुई है। हाँ ऐसे नहीं हटा क्यों रहे हैं, कितना छोटा सा लग रहा है, मैं इसको दिखाना नहीं चाहती पर फिर भी दिख गया। मत कर विराट, डोंट डू दिस, फिर तू नीचे चला जाएगा, फिर मैं इसको नीचे भेज देती हूँ, जो मुझे तंग करता है ना ये विराट, ये पिट्ठू उठा दो, इस पिट्ठू ये कितने सारे पड़े हैं, सारे उठा चल, इसको काम पे लगाए रखना पड़ता है वरना ये ऐसे ही तंग करता है। ओह इसका देखना अभी इसकी जो क्रम्बलिंग करी थी वो, विराट पैर हटा पैर हटा, तंग ही दुख यार, इतने दिनों बाद मैं इतना देर तक नीचे बैठी हुई थी, हाँ यहाँ पे थी मैं, ब्रश में भी ना इतनी खड़खड़ 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 आवाज आती है इसलिए मेरे को वो पसंद नहीं है, ठीक है। और ना पता है दो तीन बार इतना मारो, अब कपड़ा है गंद किया, एक बार मारा फिर दूसरी बार मारा क्लीन, ठीक है, और उसमें इतनी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आएगी, ऊपर से ना उसमें डस्ट उड़ती है, अब मैं सफाई करूँ और डस्ट उड़े ना उसका कोई मतलब नहीं है। ये बेचारा ग्रिटी टेक्सचर,
की ढेरी बना देते हैं। विराट ईंट लग के आइयो, ये तोड़ते हैं इसको। ईंट ईंट लग क्या, अरे पीछे वहां पड़ी होगी ना, देख पड़ी है। हाँ। ये तोड़ते हैं बड़े बड़े ना, फिर ये मेरे हाथ में चुभते हैं। देखो इतने तो मैंने लोगों के सामने, पसीने में तो रो गई हूँ मैं। देखो कितना डिफरेंस होता है ईंट में भी। देखो अब इसका कलर अलग होगा, देखो ये डिफरेंस दिखाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। देखिए पिंक पता नहीं क्या है, पिंक क्या है, ये भी ईंट ही होगी। तो ये ग्रिटीनेस है इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। और पाउडर भी चला ही गया, अब क्या करूँ, बेचारा टाइल्स सूख रहा है। मैं नए नए काम बता रही हूँ उसको, देखो ना इतनी दूर चले जाते हैं। कहाँ नहीं, ये अभी एक था अब दो। इसमें ना सब है, इसमें मतलब चारकोल की ग्रिटीनेस कह लो या फिर ईंट की कह लो या फिर वैसी वाली कह लो, जो मतलब जो रेडीमेड सी होती है, बनी हुई होती है। इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको ब्लॉक के लिए रखते हैं, लेकिन में से ना ये ब्लॉक क्रम्बल करते हैं। ठीक है, इसको उठा के रखते हैं साइड में। बड़े सॉफ्ट बने हुए हैं, वाओ। सीढ़ियों पे ऐसे हिलता हुआ आएगा ना कि भाई शोर इतना करता हुआ आएगा कि भाई मैं आ रहा हूँ। इसका भी कलर नहीं दिख रहा, मैं वीडियो में नोटिस करूँगी क्योंकि आजकल मैं व्लॉग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैं ये चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि व्लॉग में टेक्सचर्स का कलर प्रॉपरली नहीं दिखता। अगर जो वीडियो में भी ऐसे, फिर तो सेटिंग चेंज करवानी पड़ेगी मुझे। अपने भाई से कहूँगी कि उसकी सेटिंग कर। इस टेक्सचर में तो अंदर कचरा घुसा हुआ है, तो वो अंदर वाला तो जब भी साफ होगा जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी, है ना। चलो ये देखो, अब थोड़ा क्लीन अप लग रहा है ना, इसको भी करती हूँ। विराट यहाँ पे आ, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। क्या ही वीडियो बनेगी अब इसकी। इतनी मुश्किल से मैंने इसकी शेप्स बनाई थी, क्योंकि शेप्स जैसे कि आपको पता है टूटी हुई थी और बनाने में इतनी मुश्किल हो रही थी। मैं ना एंड में सारा काम करके आपको ना फेस दिखाऊंगी कि कितना पसीने में लिबड़ा हुआ है। मैं तो गला ही खराब हो गया, इतना गर्म हूँ। इसकी वीडियो बनाऊंगी तो निकाल लूंगी इसको, इसकी शेप्स। ओए क्या कर रहा है बदतमीज, ये ग्लव्स उठा मेरे। ओए एक ये पड़ा है और एक वहां पड़ा है, ग्लव्स उठा। और ये पटड़ी भी उठा ले यहाँ से, ये देख पटड़ी नहीं दिख रही तुझे इतनी बड़ी। वो देख एक ये पड़ा, देख मेरे आगे। इसको रख, पटड़ी उठा पहले, पटड़ी उठा, उठा दी। इसको रख, ये देखो पूरा बाहर आया हुआ है अपनी बाउंड्री से। इसका तो कलर पूरा दिख रहा है पर ब्राइटनेस कम लग रही है, मतलब अब एक्चुअल तो दिखाई नहीं पाएगा ना कोई। देखो चला गया नीचे, इतना आलसी है ना, हर एक के बस की बात नहीं है ये काम करना। चलो वो तो बच्चा है पर फिर भी बड़े को भी इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता इस काम का जितना लगाव मुझे उस पर, और जो इतनी बेहतरीन ये स्मार आर्टिस्ट है उनको है। ये भी कम लग रहा है मुझे तो, इतना ज़्यादा बनाया था मैंने ये, देखना आप। मैंने इसमें पूरा एक इतना बड़ा वाला बैग पूरा सैंड का यूज़ करा था और मड यूज़ करी थी। मैं इसका ट्यूटोरियल देखती हूँ,
देखो शरारतें शुरू हो गई उनकी। तो इसके जो बहुत हाय घड़ीस लगी मेरे हाथ पे। सूखे पत्ते तो कोई बात नहीं निकल जाते हैं, पर गिल्ले जो मैं उल्टा बोल रही हूँ, जो मतलब हरे हुए पत्ते होते हैं वो निकल जाते हैं, पर सूखे हुए ना नाक में दम करते हैं। चलो जी यहाँ की क्लीनिंग भी डन, इसकी क्लीनिंग करते हैं अब। चलो हो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे आज क्लीनिंग ब्लॉग बनाना है। ये देखना इससे पता लगता है शेप्स उड़ी है। और टेक्सचर खिला रही हूँ। चलो अब उठाती हैं इनको। इतनी क्लियर शेप्स बनी होती है ना, फिर मेरा एक के ऊपर एक रखने का मन भी नहीं करता। पर चलो अब तो क्लीनिंग कर रहे हैं। और एक भी टेक्सचर मेरा ऐसा नहीं है जिसकी मैं वीडियो बना लूँ, मतलब वीडियो बन जाए, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा ही क्रम्बल हो चुका है, तो उसकी वीडियो हद में हद एक मिनट की बन जाएगी, एक या दो मिनट की। छोटी शेप्स तो चलो फिर भी। तो इसीलिए, और मैरी क्वीन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही है कि भाई मैं कब सेटअप क्रम्बलिंग करूं और कब मैं क्या कहते हैं सभी टेक्सचर्स की शेप्स बना के सुंदर सी अपनी छत सजा लूं। बेचारी मतलब क्रम्बलिंग करूंगी तो वो एंगल चेंज करना ही भूल जाती हूँ। ठीक है इसको करते हैं। वो खेल के गया देखो, चम्मच से हटा के गया सारी, बहुत कचरा है इसमें तो देखना इतना कचरा। चलो करते हैं क्लीनिंग शुरू। ये तो टेक्सचर झड़ रहे हैं इतने। मैं भूली गई लोग चालू है। टूट मा जाइयो। टूट ही गया। चलो छोड़ो, इतनी सॉफ्ट बना रखी है मैंने अब। इतना सॉफ्ट, अब इनको नहीं छेड़ती मैं, क्योंकि ये थोड़े टाइटर रखे हैं ना तो ये फैलेंगे नहीं आपे आपे। चलो जी 14 मिनट का ब्लॉग बन चुका है। कैमरा कांट डिसाइड माय ब्यूटीफुल रूफ ब्यूटीफुलनेस। ये भी रह गया।
चलो वो तो गई है अब क्लीन। वीडियो देखते हैं आप किसकी बना पाएंगे हम। ओके बाय।